हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं अंडा भुर्जी रेसिपी। दोस्तों अंडा भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 अंडे लिए हैं, और उसके बाद ये देखिए 5 से 6 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची जिनको हमने कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज इनको भी कट कर लिया हमने, 2 टमाटर लिए हमने यहाँ पर, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की जिनको बारीक पीस लिया है, 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है यहाँ पर, और ये अन्य मसाले लिए हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, गैस के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर तेल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है, और तेल गर्म होता है तब तक हम जो है अंडे हैं उनको फोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अंडे को जो है फोड़ लिया है, और अब जो है तेल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले तेल के अंदर डालेंगे जीरा। तो देखिए यहाँ पर हमने जीरा डाल दिया, जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो जीरा जो है वो ब्राउन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्ची, और अब डालेंगे प्याज। प्याज और हरी मिर्ची हमने डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर, बिल्कुल इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इन्हें पकाना है। लगभग 2 से 3 मिनट में जो है ये फ्राई हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट जो है अंडा भुर्जी बनकर तैयार होने वाली है, झटपट तरीके से, बिल्कुल आसान विधि है। तो वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज और हरी मिर्ची जो है वो थोड़ी फ्राई हो चुके हैं तेल के अंदर। अब डालेंगे इसके अंदर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्दी को जो अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी को भी पकाना जरूरी है, हल्दी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो हल्दी जो है पक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब जो है अन्य मसाले डालेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, और अब डाल देंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट, डाल देंगे आधी कटोरी पानी ताकि गरम तेल के अंदर जो मसाला जो जो है वो जले नहीं। और अब मसाले को जो अच्छे से पका लेंगे, मसाला पक जाएगा तो इसके अंदर जो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो मसाला लगभग पक चुका है, अब डालेंगे टमाटर। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर को भी थोड़ी जो है थोड़ा सा पका लेते हैं लगभग 1 मिनट तक। अब डालेंगे इसके अंदर हम अंडे जो हमने फोड़ रखे हैं, तो ये हमने अंडे डाल दिए हैं, और अब चम्मच को जो है लगातार चलाएंगे हम इसके अंदर। चम्मच को थोड़ा सा फास्ट चलाना है ताकि भुर्जी जो है वो अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस तरीके से, और गैस को जो है मीडियम फ्लेम पर रखना है, और चम्मच को इसी तरीके से जो है लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है, जिसमें जो है भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग जो है अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो जल जाए अच्छे से, और खिली खिली जो है अंडा भुर्जी बन जाए, बिल्कुल स्वादिष्ट, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। ये देखिए इतनी टेस्टी जो है अंडा भुर्जी बनकर तैयार होने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, खिली खिली जो है अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है, तो चलिए अब इसको हम अलग बर्तन के अंदर निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भुर्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।